हमने उनको रोते हुए देखा, आंखों में आंसू थे एक्चुअली। और वो पहली बार कई बार होता है खुशी के आंसू होते हैं, ये प्रॉपर गम के आंसू थे कि यार बहुत पास आया था। तख्त बदल गए, अल्फाज बदल गए, वक्त बदल दिया, सब बदल दिया, हार गए अगर जीत हार जीत हाथ में इतनी दूर आता तो इतना उम्मीद शायद नहीं रहता। और कल पेट कमिश्नर ने कह दिया था मीडिया के सामने कि 1,30,000 को मैं चुप करा दूंगा। मैं सैल्यूट करता हूँ पेट कमिंस को कि उसने अपना कमिटमेंट पूरा किया। 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली उस हार के बाद कंगारुओं का घमंड सातवें आसमान पर जा पहुंचा था। इस जश्न मनाते कंगारू मातम में पसरा स्टेडियम रोहित और विराट के आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस खौफनाक दृश्य को देख संपूर्ण भारत का कलेजा छल्ली छल्ली हो रहा था। पूरे टूर्नामेंट में इंडियन टीम का एक तरफा डोमिनेंस रहा, साथ में रोहित रात ने अथाह रनों का अंबार खड़ा किया। परंतु टूर्नामेंट खत्म होने के बाद दोनों का हाथ ट्रॉफी से खाली रहा। इस एक हार ने रोहित को ऐसा गहरा जख्म दिया था जिसका मरहम दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं था। इस जीत के बाद पैट कमिंस फटे साइलेंसर की तरह जगह जगह हर जगह फटफटा रहा था, क्योंकि उसे गुमान था 140 करोड़ लोगों को शांत कराने का। वहीं दूसरी तरफ एक पगलाया मार्स अपनी सारी हदें पार कर रहा था। कप के दीदार के लिए तड़प रहा भारत और ये हलकट उसी कप का अपमान कर रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग का नया महा एपिसोड, कहानी रोहित के सबसे बड़े बचड़े की। 19 नवंबर 2023 संपूर्ण भारत का सपना महज ख्वाब बनकर रह गया। कंगारुओं का शिकार करने चले भारत के शेर खुद ही शिकार बन गए। कितनी अजीब बात है कि उस घनघोर काली रात हमारे लिए ब्लैक डे का रूप ले लेती है। परंतु वक्त का पहिया घूमा और साल आता है 2024, जिसमें T20 वर्ल्ड कप खेला जाता है। यहाँ भी इंडियन टीम लगातार मैचेस जीत रही थी, परंतु अभी भी रोहित और विराट का बल्ला खामोशी था। जैसी उम्मीद इन दोनों से संपूर्ण भारत कर रहा था, वैसी पारी अभी तक देखने को नहीं मिली थी। और रोहित लुल्ले हाथों वाले गेंदबाजों को विकेट देना उनकी कमजोरी बयां कर रहा था, लेकिन बाकी के खिलाड़ी जैसे ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी टीम को संभाल लेते थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में रोहित के सामने कंगारुओं के रूप में उनका इतिहास स्वयं खड़ा था। अफगान से हारने वाले कंगारुओं के कप्तान का मैच से एक दिन पहले एक बयान सामने आता है कि भारत को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने का मजा ही कुछ और है। इसके इस बयान से यह साफ हो गया था कि आज भी कंगारुओं को वो जीत हजम नहीं हुई है, इसीलिए ये वो नहीं बल्कि उनका अहंकार बोल रहा था। ऐसे में संपूर्ण भारत एक प्रतिशोध बदले की मांग कर रहा था। पाक को पराजित करने के बाद रोहित के निशाने पर थे कंगारू। 24 जून 2024 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण विश्व की निगाहें इस मैच पर टिकी होती हैं और प्रतिशोध की अग्नि में धधक रहा द मैन, द मिथ, द हिटमैन रोहित शर्मा उनके घमंड का दमन करने को बेताब होता है। अब दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार होते हैं। कंगारू कप्तान मार्स ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए उतार दिया। इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास न करने वाले रोहित राट की जोड़ी मैदान पर आती है और जैसे ही कंगारुओं के बीच बीच मैदान में रोहित शर्मा खड़े होते हैं, उनके जहन में कुछ महीने पहले घटी घटना सामने आ जाती है। पहले जो भी कुछ हुआ था वो सब याद आने लगता है। जश्न मनाते कंगारू मातम में पसरा स्टेडियम रोहित राट के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो सब कुछ आज रोहित के जहन में घूम रहा था, परंतु आज कंगारू भी भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं और उनका ये पैतरा काम कर गया और विराट कोहली एक आसान सा कैच थमा पवेलियन वापस रवाना हो गए। इस विकेट के गिरते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। आज से कुछ महीनों पहले घटी वो घटना
एक बार फिर से खुद को दोहराने के लिए तैयार होती है। कंगारू बीच मैदान में उछल कूद कर रहे थे क्योंकि उनकी ये भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही थी। अब रोहित का साथ निभाने ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं, परंतु टीम इंडिया का कप्तान रोहित के मंसूबे तो कुछ और ही थे और पारी का तीसरा ओवर लेफ्ट आर्म गेंदबाज मिचेल स्टार्क लेकर आता है। स्टार्क को सामने खड़ा देखकर रोहित किसी घायल शेर की तरह उस पर टूट पड़े। रोहित ने स्टार्क की चढ़ती जवानी को पल भर में दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया। उसकी गरिमा उसके गुरूर को उसी 22 गज की पिच पर दफन कर दिया, क्योंकि रोहित ने उसके साथ जो किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था। उसके बाद तो स्टार का मुंह दिखाना तो दूर, छुपाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि रोहित ने स्टार को तीसरे ओवर में 4 छक्के और 1 चौका जड़, इस ओवर में 29 रन कोर दिया। स्टार्क के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। स्टार्क का एक बेबस चेहरा यह बयां कर रहा था कि रोहित ने उसे कितनी बेरहमी से लूटा है, लेफ्ट आर्म पेसर की लुल्ली बना दिया। अब पांचवा ओवर पैट कमिंस के हाथ में होता है, उसको भी रोहित ने 15 रन कूट दिया और साथ में उसकी औकात भी बता दिया। रोहित ने इसी ओवर में महज 19 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। अब पांच ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 52 रन होता है, जिसमें से रोहित ने 50 रन अकेले बनाया था। रोहित की इस पारी पर बारिश का खलल भी फीका पड़ गया। भारतीय फैंस खुशी से झूम रहे थे क्योंकि उनका प्रतिशोध बदला अब सच होता दिखाई दे रहा था। रोहित अपना हिटमैन अवतार धारण कर लिया था। उसके बाद रोहित का एक तरफा डोमिनेंस रहता है। उनके आगे जंपा हो या स्टोनिस हर किसी को आड़े हाथ ले रहे थे। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया का स्कोर 114 रनों पर 2 विकेट होता है। महज 10 ओवरों तक रोहित ने कंगारुओं को कंगाल कर दिया था, परंतु 12वें ओवर में रोहित शर्मा बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में 41 गेंदों पर 92 रनों की तूफानी पारी खेल आउट हो गए। रोहित की ये 92 रनों की पारी कंगारुओं की बर्बादी की नींव रख दिया था। क्रिकेट के ढोंगी पंडित अब दुम दबाकर भाग चुके थे, जिनका मानना था कि लेफ्ट आर्म गेंदबाजी हिटमैन की कमजोरी है। अब इस पारी का 8 ओवरों का खेल बाकी था। टीम इंडिया को एक शानदार फिनिशिंग की जरूरत होती है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंदों पर 31 रन बनाए और हार्दिक ने 17 गेंदों पर 27 रन और शिवम दुबे के 22 गेंदों पर 28 रनों की पारी की मदद से भारतीय टीम ने 20 ओवर की समाप्ति पर 205 रन बना लिया। यह स्कोर बड़ा तो जरूर था, परंतु असंभव बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कंगारुओं का एक खिलाड़ी 11 खिलाड़ियों के बराबर होता था। परंतु आज अपना रोहित अकेले कंगारुओं पर भारी था। उसके पास एक से बढ़कर एक योद्धा मौजूद होते हैं। ऐसे ऐसे बल्लेबाज थे जो पल भर में मैच का रुख पलटने का मादा रखते थे। अब कंगारुओं की तरफ से डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड पारी का आगाज करते हैं। दूसरी पारी के पहले ओवर में अर्शदीप ने डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने पारी को आगे बढ़ाया। ये दोनों ही खिलाड़ी लगातार चौकों छक्कों की बौछार कर दिए। इन दोनों के सामने क्या अर्शदीप की स्विंग, क्या बुमराह की यारकर और क्या ही अक्षर की स्पिन, दोनों बल्लेबाज सभी को बिना भेदभाव की पिटाई किए जा रहे थे। देखते ही देखते पहले पावर प्ले की समाप्ति पर कंगारुओं का स्कोर 66 रनों तक पहुंच जाता है। अब दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके थे। पावर प्ले के बाद भी दोनों का प्रहार जारी रहता है, लेकिन एक बार फिर से रोहित ने अपना कमाल दिखाकर कुलदीप को गेंदबाजी इंड पर उतार दिया। मार्श के जाने के बाद अब मैदान पर मैक्सवेल नाम का तूफान आता है। अब 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। यहां से कंगारू आधा रन बना चुके थे। आधा रनों की दरकार होती है, परंतु जिस प्रकार से ट्रेविस हेड का बल्ला चल रहा था यह टारगेट ज्यादा दूर नहीं था। ट्रेविस हेड भारतीय गेंदबाजों के लिए समस्या का सबक बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सवेल का ऐसा बर्ताव हर इंडियन फैंस को उस काली रात की याद दिला रहा था। लेकिन एक बार फिर से कुलदीप ने कमाल दिखाकर मैक्सवेल को आधे पिच पर ला खड़ा कर दिया। अब मैक्सवेल कुलदीप का शिकार हो चुके थे। मैक्सवेल के जाने के बाद स्टोनिस भी पवेलियन के लिए रवाना हो गए, परंतु ट्रेविस हेड अभी भी मैदान में ही कूटाकार खड़ा था। अब यहां से कंगारुओं को 30 गेंदों पर 65 रनों की दरकार होती है।
तभी बुमराह ने ट्रेविस हेड की बत्ती गुल कर मैच को अपने खेमे में ला दिया, क्योंकि अब कंगारू के पास केवल पुछल्ले बल्लेबाज ही बचे थे और वो भी एक एक कर सभी कंगारू पवेलियन चले जाते हैं। भारतीय गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी कंगारुओं के काट काट रही थी और देखते ही देखते भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बीच मैदान में धूल चटा दिया। इस मैच में रोहित शर्मा की यह पारी हमेशा के लिए अमर हो गई। विराट के जाने के बाद जिस प्रकार से कंगारुओं पर आक्रमण किया उसे देख हर कोई हैरान हो गया। आज रोहित का ना तो कोई जवाब था ना ही कोई तोड़ था, क्योंकि ये बेजोड़ थे। We believe in karma, we believe in Sharma. शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन hats off to the Indian team जिस तरह ये खेले हैं। बड़ी बात, भारत ने ये मैच जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।